धन्यवाद हो कि आज शाम को इस प्रकार आपके मध्य में इस माध्यम के द्वारा, वर्चुअल इस माध्यम के द्वारा मुझे आने का यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं राजकोट असेंबली का धन्यवाद करता हूं और साथ ही ब्रदर डेविड आइजक का, जिन्होंने मेरे विषय में दो शब्द बताए और जितनी तारीफ उन्होंने की उसके मैं योग्य नहीं हूं, परंतु प्रभु अपने अनुग्रह से छोटे बड़े रूप में अपनी सेवा में मुझे उपयोग में लेता है। बहुत वर्ष पहले मैंने भाई डेविड आइजक को देखा था, परंतु अभी उनका फेस, उनका चेहरा मुझे याद नहीं है, परंतु वो मुझे याद रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी है और उन्होंने सारी बातें बताई हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज थोड़े से वचन पर विचार करने से पहले मेरी गवाही मैं अपने आपको देना चाहता हूं। मेरा जन्म धुलिया, धुले, महाराष्ट्र, वहां पर हुआ और मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट सर्विस में। फिर उन्होंने जॉब रिजाइन किया किसी कारणवश, 14 वर्ष की नौकरी छोड़ी और तब वे प्रभु की सेवा में आए और मेथोडिस्ट मिशन में वे पास्टर थे। और मैं धुलिया में पढ़ा, उसके बाद पास में एक विलेज है वहां पर पिताजी की पोस्टिंग हुई, वहां पर मैं पढ़ा। मेरा प्राइमरी स्टडीज धुलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ और हाई स्कूल के लिए पुंतांबा अहमदनगर, वहां पर मेथोडिस्ट मिशन का हॉस्टल है, मैं वहां पर गया और वहां पर फिर मेरा हाई स्कूल हुआ। और उसके बाद 15 अगस्त मैं इंदौर पहुंचा। मेरी आयु केवल 17 years 5 months and 2 days, मेरी आयु केवल 17 वर्ष 5 महीने और 2 दिन की थी और मैं वहां पर कुछ काम के तलाश में आया, क्योंकि परिवार में हम 7 भाई बहन थे, पिता की छोटी सी तनख्वाह थी, 9 जन छोटी तनख्वाह में रहना बहुत मुश्किल था। सो मैं इंदौर आया और इंदौर में 3 वर्षों तक मैं रहा। 1 वर्ष कोई काम नहीं था, मैं इधर उधर जो कार्य मिलता था वो मैं करता था। उसके बाद मुझे मिल में काम मिला और मिल में कॉन्ट्रैक्टर के पास कपड़े की मिल में मैं काम करता था और प्रभु ने मुझे बहुत ही जल्द से तरक्की दी और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा आप डिजाइन डिपार्टमेंट में आइए। मैं स्क्रीन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता था और फिर फोटो एक्सपोजर का काम करता था। वहां पर कार्य करते समय मुझे किसी ने बताया कि चर्च में, वहां के CNI चर्च में कुछ सभाएं हो रही है। मैं कभी चर्च नहीं गया था, बचपन में मैं बहुत कम चर्च गया था, हाई स्कूल में रहते समय कुछ साल तक मैं चर्च जाता था, परंतु मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था। खैर, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं, मैं चर्च में उस दिन गया और पूरा खचाखच चर्च भरा हुआ था। आखिरी में बेंच पे थोड़ी सी जगह थी, वहां बैठ गया। मेरे कपड़े बारिश से थोड़े भीग गए थे, परंतु तुरंत प्रभु ने अपने वचन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और प्रभु के दास के द्वारा जो वचन दिया जा रहा था मैं उस पर गौर करने लगा।
और उसमें एक बात मेरे समझ में आई जो उस रात मेरे हृदय में चुभ गई। अक्टूबर महीने की बात ही है, अक्टूबर 1963 लास्ट वीक में जब मैं गया एक शब्द कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए अपना प्राण दिया। और उस मैसेज के दौरान फिर उन्होंने कहा यदि तुम आज उसका शब्द सुनते हो अपने हृदय को कठोर न करो। उस रात उस वचन को सुनकर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरी संगति बहुत ही ऐसे लोगों के साथ थी, कोई नॉमिनल क्रिश्चियन भी मेरा दोस्त नहीं था, सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम। अतः मेरे को कोई चांस नहीं था कि मैं प्रभु के पास आऊं। पर प्रभु ने उस रात्रि को पहले मैसेज में मुझे अरेस्ट किया, मेरे हृदय को पकड़ लिया और मैंने प्रभु यीशु को वहीं पर अपना उद्धार करता अपने हृदय में ग्रहण किया। ये प्रभु का बहुत ही बड़ा अनुग्रह हुआ। उसके पश्चात प्रभु मुझे रतलाम ले आया, परंतु वो सभा के बारे में हमेशा विचार करता था। वो प्रचारक कौन थे, उनका नाम क्या था, मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर किसी ने मुझे बताया रतलाम में कि उस सभा में जो प्रचारक थे वो थे डॉक्टर अकबर हक। बस इतना मुझे मालूम था। मैं प्रभु का धन्यवाद मैंने किया। रतलाम में आने के बाद मैं नौकरी करने लगा। यहाँ की जो मिल है उस मिल का प्रोप्राइटर इंदौर में आकर मुझे और मेरे इमीडिएट बॉस को यहाँ लेके आए कि यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट चालू करें। वो डिजाइनर थे मेरे बॉस, मैं फोटो एक्सपोजर था और हम दोनों ने यहाँ पर काम शुरू किया। यहाँ पर रहते हुए प्रभु मेरे हृदय में कार्य करने लगा। मेरे मन में शुरू से इच्छा हुई कि मैं प्रभु की सेवा करूं, पर कैसे करूं, कहाँ करूं और कैसे मेरा सपोर्ट कौन करेगा, ये विचार पहले आता है। मुझे कुछ नहीं मालूम था, परंतु मैं रोज शाम को जब ड्यूटी से आता था बाइबल उठाई एक व्यक्ति से, यहीं पर रतलाम में मैंने एक सेकंड हैंड बाइबल उसने मुझे दी, वो मैं पढ़ता था, पढ़ने लगा। और एकांत में जाकर के मैं एक खेत में बैठकर प्रार्थना करता था। मुझे प्रेयर करना नहीं आती थी, मैं केवल रोता था कि परमेश्वर पिता मुझे क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मैं आपसे मैं विनती करता हूं। एक बात केवल मुझे मालूम है कि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, वो मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो मेरे लिए मरा, परमेश्वर का बेटा मेरे लिए मरा, ये सबसे बड़ा एक रेवलेशन मेरे सामने उस रात को जो प्रभु ने दिया वो आज तक कंटिन्यू रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मैंने यहाँ पर रतलाम में टेस्टिमनी देना चालू की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक चाल के अंदर एक छोटे लेन है, वहां पर कुछ लोग मीटिंग में आने लगे, एक घर में मीटिंग शुरू की और लगभग 8-10 लोग उसमें रोज आते थे और मैं रोज शाम को वचन उन्हें सुनाता था। परंतु केवल इतना ही जानता था कि प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहिए, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपके लिए बलिदान हुआ और जी उठा है, उस पर व्यक्तिगत विश्वास करो। आगे कुछ नहीं मालूम। एक दिन बस स्टैंड पर मैं जा रहा था, कहीं रास्ते में देखा एक व्यक्ति ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और मैं उनके पास गया। मैंने कहा जय मसीह की। उन्होंने कहा आप कौन है, कहां से आए, क्या करते हैं, क्या, बहुत सारे प्रश्न एक सांस में पूछे। मैंने कहा मैं मिल में काम करता हूं
और यहाँ पर मैं आया। तो वो भाई जो है, बाद में मैंने उनसे नाम पूछा, उन्होंने कहा पीवी देवाशेखमणि, पीवी देवाशेखमणि जो उज्जैन में मध्य प्रदेश प्रभु की सेवा करते थे, अब प्रभु में सो गए। उन्होंने मुझे उसी दिन पूछा, क्या आपने नया जन्म पाया? मैं क्या उत्तर दूं? मैंने कहा मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, वो मेरा उद्धार करता, इतना मैं जानता हूं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने बपतिस्मा लिया? मैंने कहा बचपन में मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं जब बच्चा था छोटा एक महीने का। तो उन्होंने कहा नहीं, बाइबल के अनुसार हुआ है। फिर उन्होंने कुछ पद वगैरह मुझे बताए, फिर मैंने उनको इनवाइट किया, आप हमारे यहाँ आइए, मैं एक चाल में मीटिंग लेता हूँ। और वो आने लगे। उसके बाद वो सप्ताह में दो बार आते थे, महीने में दो बार आते थे, और वो हमें कुछ कुछ सिखाते थे। हालांकि उनको हिंदी अच्छी नहीं आती थी, परंतु वो बड़ा प्रयास करते थे। उनसे मैंने एक बात सीखी, विश्वासियों को बपतिस्मा लेना आवश्यक है। सो मैं उनके अनजाने एक दिन उज्जैन गया, रात को करीबन 10 बजे वहां पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोला, अरे आप क्यों आया, कैसे आया, किधर से? फिर मैंने बताया मैं बैप्टिज्म लेने के लिए आया, और वे बड़े खुश हुए। दूसरे दिन मेरा बैप्टिज्म सर्विस रखी गई उज्जैन में, और संयोग से उस दिन वहां पर ब्रदर एमेचरियन जो मदुरई में तमिलनाडु प्रभु की सेवा करते थे, अभी वो प्रभु में सो गए, वो भी थे मेरे बैप्टिज्म के समय। एक और भाई का हुआ। इस प्रकार जब मैं रतलाम वापस आया, मैंने अपने इन सब लोगों से पूछा, क्योंकि उस वक्त तक हमारे यहां से इस छोटी सी गैदरिंग में से 5-6 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। मैंने उन्हें कहा आपको भी बैप्टिज्म लेना है, और सब ने बैप्टिज्म ले लिया। और इस प्रकार रतलाम में, फिर कालांतर में थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, आज जो मेरी वाइफ है और उसकी मदर और छोटी सिस्टर, इन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया, और उनका भी हमने बैप्टिज्म इधर दे दिया। ब्रदर को बुलाया उज्जैन से और रतलाम में फिर बैप्टिज्म दे दिया। इस प्रकार शॉर्ट में मैं बताऊंगा, 1966 में प्रभु की आराधना शुरू हुई, केवल 7 व्यक्तियों के साथ, और इनवाइटेड 2 और व्यक्ति थे पुणे से, जिसको पुणे कहते हैं, ब्रदर आर सुंदर राजन, और एक ब्रदर और थे, वो दोनों आए और आराधना शुरू हुई। और इसके पहले एक बार मैं 1965 बिगिनिंग में मेरे बैप्टिज्म के बाद इंदौर में सबसे पहले रोटी तोड़ी। इंदौर में केवल 4 ब्रदर, मुझे मिलाकर 4 भाई थे, रोटी तोड़ी। उनमें से एक ब्रदर डैनियल कुटी, एक वीएन सैमुअल, एक थॉमस, और चौथा मैं। तो इस प्रकार रतलाम में भी प्रभु का कार्य शुरू हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, 1966 में मेरी शादी हुई, 1967 में प्रभु ने हमें एक बालिका दी, बच्ची दी, और उस समय उसके लिए मैं मिल्क पाउडर लिया ले जाता था। मैं मील में यहाँ काम करता था रतलाम में, मेरी वाइफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जावरा, 35 किलोमीटर फ्रॉम रतलाम, वहाँ नर्स का कार्य कर रही थी, और बच्ची को मैं मिल्क पाउडर ले जाता था, उसको टॉप फीडिंग देते थे। तो जब एक दिन मैं ऐसे ही मिल्क उसको ले जा रहा था, हमेशा मेरे मन में विचार, मैं जो प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु की सेवा करनी, पर कैसे करनी पिता मुझे नहीं मालूम। अचानक मुझे एक विचार आया, और जैसे प्रभु ने मुझे पूछा, कोई कान से नहीं सुना, कुछ नहीं, एक विचार, तेरे हाथ में क्या है? मैंने कहा ये मिल्क पाउडर का डिब्बा है। किस लिए? मेरी बेटी के लिए। क्या मांगती है वो तुमसे? नहीं, वो नहीं मांगती, परंतु मैं पिता हूं, मैं ले जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम पिता हो, अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हो, तुम मुझे पिता कहते हो, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा?
यदि तुम मेरी सेवा करोगे। ओ, तुरंत मेरा मन जैसा अंदर से भीतर से कट गया कि मैं कितना अविश्वासी हूं, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं कि मेरा स्वर्गीय पिता रोज मुझे और मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तुरंत दूसरा विचार, आकाश के पक्षियों को देखो। मैंने खिड़की से, बस में यात्रा कर रहा था, खिड़की से बाहर देखा पक्षी, गर्मी के दिनों में जुलाई का महीना था, जुलाई, पक्षी उड़ रहे। विचार आया कौन उनको खिलाता, वे न तो बोते हैं न तो काटते हैं। मत्ती में से, मैथ्यूज में से, चैप्टर 6 में से विचार आया, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। बस ये दो वचनों के द्वारा मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया और मैंने बस में बैठे बैठे कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मेरे अविश्वास को क्षमा कीजिए। घर पर जाकर मैंने वाइफ को भी नहीं बताया। दूसरे दिन वापस रतलाम आया, रेजिग्नेशन दिया बाय पोस्ट मैनेजर के नाम पे। मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और अब मेरा जीवन प्रभु यीशु की सेवा के लिए मैं दे रहा हूं। मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार करे। मैं कभी नहीं उस दिन के बाद मील में गया और आज तक प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला। उसके बाद मैंने वाइफ को बताया, वाइफ में दो चार आंसू बहाए, कुछ नहीं बोली, हाँ जैसा आप डिसाइड करेंगे। मैंने कहा तुम्हें भी जॉब रिजाइन करना पड़ेगा, हम दोनों जॉब रिजाइन करके प्रभु की सेवा करेंगे। और प्रभु ने अनुग्रह दिया उनके साथ, उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी थी और इसलिए वो नौकरी तुरंत नहीं छोड़ सकी, परंतु 5 साल के बाद उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी और तब से लेकर हम दोनों ही प्रभु के सेवा में। प्रभु का धन्यवाद, छोटी बड़ी जगह हर जगह प्रभु मुझे लेके गया। मेरे पास एक ही मैसेज है, प्रभु यीशु जिसने क्रूस पर अपना प्राण दिया वो परमेश्वर का पुत्र है। He is not an ordinary person. He is the son of God. वो परमेश्वर का बेटा है और वो मेरे लिए मरा और तुम्हारे लिए मरा है। कितनी बड़ी बात है, उस पर विश्वास करो। वो हमारे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, उसे ग्रहण करोगे तो उद्धार पाओगे। ये संदेश आज तक मैं प्रभु के अनुग्रह से दे रहा हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है मैं यहाँ पर हूं। बस यहां पर मैं अपनी गवाही समाप्त करता हूं। अब थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन पर विचार करेंगे। भाई डेविड आइजक, प्लीज बताइए मुझे कितने मिनट बोलना है, अभी अब से लेकर आगे कितने मिनट, कितने भी हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, कुछ चिंता नहीं। 9:25 क्लोज करना है, मतलब तो देखिए मुझे 5 मिनट पहले आप बताइए, 5 मिनट पहले बोल के बताइए कि अब ब्रदर आपके सामने 5 मिनट है, मैं क्लोज करूंगा उसी समय, ठीक है? ओके ओके चलो। ऑल टुगेदर कितने मिनट है अभी, अभी से कितने मिनट है? अभी कितने है? 45 मिनट्स है। ओके ओके बाय, थैंक यू। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं कोई नई बात आपको बताने नहीं जा रहा हूं, परंतु वे बातें जो आपने और मैंने सीखी है परमेश्वर के वचन से, हमने सीखी है, उन बातों पर हम विचार करेंगे। कुछ लोगों को नए हो शायद, उन्हें नहीं मालूम होगा, ध्यान से सुने। और कुछ भाई जिन्होंने वर्षों से प्रभु को ग्रहण किया वो उनको जानते होंगे, परंतु फिर भी रिवीजन के बतौर हम सब वचन पर ध्यान दें, क्योंकि ये वचन जब तक बाइबल में प्रभु का वचन है, जब तक बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार हमसे बातें करना चाहता है, हमें रिमाइंड करना चाहता है। सो प्लीज अपने सामने रोमन्स चैप्टर 8 इसको खोल के रखिए, रोमियो 8वां अध्याय ये आपके सामने रखें।
ये अध्याय बाइबल में, संपूर्ण बाइबल बहुत ही सुंदर और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी है, परंतु ये शास्त्र पाठ आठवां अध्याय रोमन्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे, पूरे अध्याय पर नहीं। इस अध्याय की शुरुआत जो है वो पहले वचन में इस प्रकार से होती है, एक विजयी घोषणा के साथ, बड़ी विक्टोरियस प्रोक्लेमेशन पॉल करता है। क्या कहता है वो? अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। बड़े विजयी शब्द ये है, विजय की घोषणा वो करता है, और वो बाद में फिर कुछ कारण बताता है कि क्यों दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर हम विचार नहीं करेंगे। इसका अंत जो करता है इस अध्याय का, वो भी बहुत ही एक विजय की घोषणा है हम सबके सामने। वो कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु में जो प्रेम उसने हमसे किया है, उससे हमें कौन अलग या पृथक कर सकेगा? Who can separate us from the love of God? ये दोनों के बीच में बहुत सारा संदेश पूरे आठवें अध्याय में है, और आप उसको बड़े प्रार्थना के साथ सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए। आज के अध्ययन के लिए केवल दो पद हम पढ़ेंगे, कदाचित 28 और 29। कोई भी एक भाई आप में से, जिस भाषा में आप सब समझते हैं, पढ़िए रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 और 29। जगभाई, यस अंकल, थोड़ा मदद कीजिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और आगे, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धार्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। धन्यवाद। प्रिय अजीजो, हम बार बार इसको पढ़ नहीं सकते, पर आप इस पर ध्यान कीजिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये वचन सुना, कई घरों में विजिट करते समय स्पेशली क्रिश्चियन लोग बड़े आसानी से बोलते, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती, परंतु इस वचन के पहले और पीछे हिस्से में वे भूल जाते। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और कौन प्रेम रखता है? केवल वह जो परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसको प्रभु यीशु ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, उनमें परमेश्वर का प्रेम है, और वो ही परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। और फिर इस वचन के अंतिम हिस्से में लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, अर्थात जिनको परमेश्वर ने इस जगत में से
अपने पास बुलाया है, उन लोगों के लिए सब बातें मिलकर जो भी उनके साथ होता है वो सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई निर्माण करती है। कितनी उत्तम बात है। और फिर आगे पांच बातें लिखी है जिनको उसने पहले से जाना। नंबर वन, जिनको उसने पहले से ठहराया अर्थात जिनको प्रीडेस्टाइन किया या प्रीडेस्टिनेटेड पीपल, किसलिए ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तीसरा शब्द या वाक्य, जिन्हें उसने बुलाया पहले से। चौथा वाक्य, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। हिंदी में लिखा है धर्मी ठहराया, अंग्रेज में those whom he called them also he justified, उसको उनको निर्दोष ठहराया। कोई बात नहीं, दोनों बातें ठीक है, उन्हें धर्मी ठहराया, निर्दोष ठहराया, और जिन्हें निर्दोष ठहराया या धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, दे आर ऑल्सो ग्लोरिफाइड। ये पांच वाक्य है जिनमें एक विश्वासी का पूर्ण इतिहास, द होल हिस्ट्री ऑफ बिलीवर्स, ये पांच वाक्यों में सीमित है। और ये बहुत ही महिमा युक्त बातें हैं, और पवित्र आत्मा ने ये बातें हमारे लिए यहां पर लिखी है। तो पहली बात, जिनको उसने पहले से जाना अर्थात विश्वासियों को। मेरे प्रियजनों, आज मेरे सुनने वालों में मैं जानता हूं कई विश्वास, सभी विश्वासी है अधिकांश, और वर्षों से हम सबके लिए वचन है, परंतु कदाचित कोई ऐसा हो, यदि एक व्यक्ति यहां पर है जिसने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिसको उद्धार का अनुभव नहीं, जिसने पापों के क्षमा प्राप्त नहीं की प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, मैं ऐसे व्यक्तियों को बताना चाहता हूं, आज भी वो समय है, आप प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें। वो परमेश्वर का जीवित पुत्र है, आज भी वो जीवित है। 2000 वर्ष पहले वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, उस अनंतता में से जिसमें वो रहता था, स्वर्ग में पिता के साथ अनंतता से, उस अनंतता में से 33.5 वर्ष निकालकर वो इस धरती पर आया मेरे और आपके लिए। मनुष्य बना, मनुष्य देह में रहा, मनुष्यों के बीच में चला, मनुष्यों के साथ साथ वो रहा। परंतु एक बात अलग है, उसमें पाप नहीं था, वह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, उसका जीवन पवित्र था, निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं था, निष्पाप मेरे और आपके पाप के लिए। वह जीवित परमेश्वर का पुत्र आज से लगभग 2000 वर्ष पहले क्रूस पर वो चढ़ाया गया। सावधान रहे, वो शख्स जो क्रूस पर चढ़ा है दो डाकुओं के बीच में, मध्य में जो क्रूस है वो मेरे लिए था, वो आपके लिए था। परमेश्वर को चाहिए था उस क्रूस पर जो दो डाकुओं के बीच में है मुझे और आपको लटकाया जाता, मुझे और आपको वहां पर हाथ पैरों में किले ठोर कर मार दिया जाता था, और मरने के बाद हमें उठाकर नरक अग्नि में फेंकना था। यही हमारी योग्यता थी, दिस वॉज अवर राइट।
कोई दूसरा स्थान नहीं। परंतु मेरे प्यारो, मैं बड़े आनंद के साथ, बड़े नम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं, आपसे विनती करता हूं, यदि किसी ने आज तक उस प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से विश्वास से ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया अपने दिल में, कभी नहीं कहा कि हे प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मैं भयंकर पापी हूं, जन्म से स्वभाव से कर्म से मैं पापी हूं, परंतु हे प्रभु यीशु तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे लिए अपनी जान दी और तू मर के जीवित होता है, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरा उद्धार करता बन। किसी ने यदि आज तक ये विश्वास नहीं किया है, आज अभी वक्त है, इसी वक्त अपने हृदय में प्रभु यीशु को सच्चे से ग्रहण करें। प्रियो, तो ये सारी बातें आपके लिए भी है। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, जिनको उसने जाना, whom he foreknew, जिनको उसने जाना, परमेश्वर ने जिनको जाना उनके लिए फिर और आगे बातें बताइए। पहली बात, जिनको उसने पहले से जाना, कितने पहले से आप जानते हैं, मैं और आप कब हमको प्रभु ने जाना है, कब से हमको जानता है, इसके पहले कि पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले उसने मुझे और आपको जाना है, विश्वासियों को। कितनी अद्भुत बात, हम परमेश्वर के माइंड में थे, उसके विचारों में थे, उसके हृदय में थे, उसके प्लान में थे, उसकी योजनाओं में थे। कितना अद्भुत है। अरे कौन है हम, मिट्टी से बने हुए इंसान, क्या हमारी लायकी है, क्या योग्यता है, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमें कोई अच्छाई नहीं, हम किसी काम के नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपने प्लान में, अपने विचारों में उसने हमें शामिल किया, उसने हमें सहभागी किया। कितनी बड़ी बात है मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, इसको सोचो, इस पर विचार करो। और बहुतायत से हमारे हृदयों से हम उसको धन्यवाद देते रहे कि परमेश्वर ने हमें पहले से जाना। इतना ही नहीं, हमें पहले से ठहराया, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें ठहराया भी। He predestinated us और He predestined us, उसने हमें ठहराया पहले से। और क्या कारण है वो बताया, उसने हमें पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये उद्देश्य था परमेश्वर के सामने, ये उसकी योजना में था कि मुझे और आपको विश्वास करने के पश्चात वो मुझे और आपको अपने पुत्र के लाइकनेस में, समानता में वो देखे, पुत्र के समान वो हमें बनाए, मुझ में और आपके आप में अपने बेटे को देखना चाहता है, यीशु मसीह को देखना चाहता है। परंतु कई बार हमारी अज्ञानता के कारण, कई बार इन बातों पर गौर करने के कारण, न करने के कारण, हम लोग बहुत वर्षों तक हम अभिज्ञ रहते, इस बात को जानते नहीं या ज्यादा गौर नहीं करते। कितना बड़ा अभिप्राय है परमेश्वर का, कितना बड़ा विचार है, उसने जगत की उत्पत्ति से हमें ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसके लिए बहुत पद वचन में आप पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं
फिलिप्पियों 2 में सबको याद है, परंतु क्या मैं और आप परमेश्वर के इस अभिप्राय को, इस योजना को, इस विचार को पूरा करते हैं? पूरा करने का विचार भी है, या फिर हम इस जगत में, संसार में और इन तमाम चिंताओं में और बाधाओं में हम इतने जकड़े हुए रहते हैं, हम इतने फंस जाते हैं, इतने बंधन में हम जकड़ जाते हैं, प्रियो हमें समय नहीं मिल पाता। कई कारण बता सकते, प्रायः लोग मुझे कहते, अरे भाई आप तो क्या है, आपको कुछ काम तो है नहीं, तो इसलिए आप करते, हमें तो बहुत काम है, 8 घंटे नौकरी करना है, ये करना है, बच्चों को देखना है, बाजार रहना है, सब कुछ सही है भाई, सही है। परमेश्वर को भी ये मालूम है कि आपको और मुझे पसीना बहाना है, पसीने की रोटी खाना है, परंतु ये सब किस लिए? इसके बावजूद हमारा कितना समय व्यर्थ हम गवाते हैं, प्रयोग इस पर हम विचार करें। आपका भाई होकर प्रभु में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा यह बड़ा पोजीशन, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया, किस लिए ठहराया कि मैं और आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ये ऑब्जेक्ट था परमेश्वर के सामने, ये ऑब्जेक्ट मेरे और आपके सामने होना चाहिए कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हूं। कहां पर? इसी संसार में और इसी निर्बल देह में रहते हुए, इसी वातावरण में, इसी सराउंडिंग में रहते हुए परमेश्वर मुझ में और आप में उसके पुत्र का स्वरूप देखना चाहता है, और ताकि वो सब भाइयों में फर्स्ट बॉर्न पहलौटा ठहरे। याद रखिए, प्रभु यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर के तुल्य है, हम उसके तुल्य नहीं हो सकते, परमेश्वर जानता है, फिर भी अपने पुत्र की लाइकनेस, उसकी समानता वो मुझ में और आप में देखना चाहता है, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके कद तक बढ़ना परमेश्वर पिता चाहता है हर एक विश्वासी के लिए। वो नहीं चाहते उसका एक भी बालक ऐसे बना रहे, नहीं नहीं, वो हम सबकी आत्मिक उन्नति चाहता है। तीसरी बात, पहले जिनको उसने पहले से जाना उन्हें ठहराया भी है, दूसरी बात उसने उनको ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, तीसरी जिनको उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी है, परमेश्वर ने उनको बुलाया। और ये वाक्य जो है यहां से हमारा वर्तमान शुरू होता है, इस वर्तमान समय में, किसी को 18-20 साल में, कोई 22 साल में, 30 साल में, किसी को 40 साल में, किसी को 50, 55, 58, आपको और मुझे एक ठहराए हुए समय पर प्रभु ने बुलाया, मुझे 20 वर्ष की आयु में प्रभु ने बुलाया, और अभी 58 इयर्स इसी पवित्र विश्वास में अपने अनुग्रह से वो मुझे चला रहा है। बहुत अप्स और डाउन्स आते हैं, बहुत ही गिरना उठना होता है, जरूर होगा, परंतु जो सामर्थ्य हाथ मुझे और आपको संभाले हुए है, किसके हैं? हमारे धन्य उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के है। जैसा लिखा है व्यवस्था विवरण में, पहले मैं अंग्रेजी में कहूंगा, द इटर्नल गॉड इज thy रिफ्यूज और underneath आर द everlasting arms, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, तेरी
तेरा शरण स्थान है और तेरे नीचे सनातन भुजाएं हैं, इटर्नल प्रभु की भुजाएं, उसके हाथ हमें थामे हुए, वो हमें संभालता है। हमें उसको इजाजत देना चाहिए कि वो हमें संभाले। तो इसमें जिनको उसने पहले से ठहराया कि भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उनको बुलाया भी, आज भी प्रभु यीशु बुला रहा है। जिसने आज तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उसको प्रभु बुला रहा है। मेरे भाइयों, उस धन्य प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बुलाया है, उसने अपनी बुलाहट से बुलाया। प्रभु ने कहा योहन्ना में, योहन्ना 10वां अध्याय पूरा जो पढ़ेंगे हम समझते हैं, कहीं तभी लिखा है 25-28 आयत में कहीं लिखा है, जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 10 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, आपने और मैंने एक दिन उसकी आवाज सुनी, इन कानों से नहीं हृदय में सुनी। आज भी जब आप ये वचन सुनते हैं, एक कमजोर मनुष्य और अपनी कमजोर सी आवाज में आपको बता रहा है, परंतु एक दूसरी आवाज साइलेंटली आपसे बातें कर रही, वो दूसरी आवाज पवित्र आत्मा की है, जो वचन के मार्फत, वचन के द्वारा आपको ये बातें बता रहा है और मुझे बता रहा है। एक दिन उस प्रिय हमारे चरवाहे की, उस शेपर्ड की, गुड शेपर्ड की वाणी हमारे कानों में आई, हमने सुना, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, मेरी भेड़े मुझे जानती है, मैं उनको जानता हूं। दोनों बातें, हम उसको जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते, सिर्फ उसके बारे में हमें मालूम है, ऐसा नहीं है। हम उस व्यक्ति को, उस गुड शेपर्ड को, अच्छे चरवाहे को हम हृदय से जानते हैं, विश्वास से जाना है, क्योंकि अभाव हमारे हृदय में रहता है। उसने हमें बुलाया, प्रभु कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। पहली बात, वह हमें अनंत जीवन देता है, हमारे पापों को क्षमा करके वह हमें अनंत जीवन देता है, इटर्नल लाइफ, कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, मेरा पिता सबसे बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। डबल सुरक्षा। सो प्रियो, प्रभु ने हमें बुलाया और आज भी प्रभु लोगों को बुला रहा है। मुझे एक घटना याद आती है, बहुत वर्ष पहले, मुझे नहीं मालूम ये 80 के पहले है, 1980 के पहले की बात होगी। मैं बोटाड जंक्शन गुजरात में है, एक बॉम्बे से भाई थे विल्सन क्रिश्चन, वो नौकरी करते थे, उन्होंने मुझे कहा ब्रदर वहां पर एक फैमिली बोटाड में, अब मैं उस फैमिली का नाम वगैरह सब बन गया, उनसे मिलने जाइए, उनसे वचन शेयर करिए, उनको इंकरेज करिए। मैं यहां से बोटाड जंक्शन गया और उनसे मिला, 2 दिन वहां पर था और 2 दिन वहां पर मीटिंग ली एक घर के अंदर, हमारे गुजराती भाइयों के बीच में 15-20 लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग ली बोटाड जंक्शन। वहां पर एक दिन सुबह जब मैं उठा, मैंने देखा लगभग 100-150 भेड़े, भेड़े मतलब शिप, वो जा रही थी और उनके आगे आगे एक व्यक्ति चल रहा था और ये भेड़े उसके पीछे। So, वो कुछ आवाज देता था बस बीच बीच में और ये सब भेड़े उसके पीछे जाती थी। और मुझे ये दृष्टांत याद आया प्रभु की ने जो कहा, आज भी प्रभु हमें ले चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है, हमें हर खतरे से बचाता है। उसकी भेड़ होकर
उसके पीछे हमें चलना है इस वर्तमान समय में। सो जिसको उसने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी है, और जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया। ऑलरेडी परमेश्वर ने ये बातें सृष्टि से पहले हमारे लिए कर चुका है वो प्रभु, ये पास्ट टेंस में कर दी है उसने, ये बातें भूतकाल में ये बातें कर दी हमारे लिए। उसने हर एक विश्वासी को धर्मी ठहराया, निर्दोष ठहराया प्रभु यीशु के द्वारा। इसमें हमारी योग्यता के द्वारा नहीं, हमारे किसी अच्छे कार्य के द्वारा नहीं, अपने अनुग्रह से हमारा एक भी कार्य नहीं है जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे। केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। कितने धर्मी ठहरे हैं हम, इतने धर्मी, इतने राइचस, इतने जस्टिफाइड है, परमेश्वर की दृष्टि में इतने पवित्र किए गए हैं जितना पवित्र परमेश्वर है। इससे कम परमेश्वर पवित्रता स्वीकार नहीं करेगा। उसने हमें धर्मी ठहरा है, और कैसे? सेत मेत, मैंने और आपको कोई कर्म नहीं किया, आपने, हमने परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं किया। हम बहुत स्मार्ट है और परमेश्वर हमसे खुश हुआ, नहीं। हमने जब प्रभु यीशु पर अपने को पापी जानकर जब विश्वास किया, उस विश्वास के आधार पर उसने हमें धर्मी करार दिया, धर्मी ठहराया। इतने धर्मी कि जब परमेश्वर की पवित्र दृष्टि हमारे हृदय में से गुजरेगी, पवित्र दृष्टि से वो हमें देखेगा, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि किरणें हमारे हृदय में से जब पास होगी, एक भी दाग उसे नहीं दिखेगा, एक भी दाग नहीं, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, और उतना पवित्र, उतना धर्मी उसने हमें ठहराया है। और ये उसके अनुग्रह से। एक पद जरूर से पढ़ी जल्दी से, रोमन्स चैप्टर थ्री वर्स 23 और 24 पढ़िए। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धार्मिक ठहराए जाते हैं। धन्यवाद। ऊपर की आयत हमें अच्छी रीति से मालूम है, पर वर्स 24 को कई बार हम नेग्लेक्ट करते हैं या अच्छी रीति से नहीं करते। हम सब पापी है, हम पाप में गिरे हुए, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु बट एक परिवर्तन है आगे, उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा। कौन सा छुटकारा? जो क्रूस पर कीमत देकर, प्राण देकर जो छुटकारा उसने किया है, उस छुटकारे के द्वारा कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? कैसे? मसीह यीशु में सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते। वी फ्रीली, वी आर जस्टिफाइड फ्रीली इन क्राइस्ट। देखो, में से किसी ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, नो कोई कर सकता है। एक ही व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रसन्न किया है, 101% प्रभु यीशु ने, जब बपतिस्मा लिया प्रभु ने, ऊपर से आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और दूसरी बार रूपांतर के पहाड़ पर, ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां पर भी वाणी है, यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो जिससे मैं प्रसन्न हूं। केवल परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रसन्न हुआ। आदम से लेकर आज तक और आगे तक जब तक इंसान पैदा होते रहेंगे, कोई भी इस योग्य नहीं कि परमेश्वर को खुश करे या प्रसन्न करे। हमने दुखी किया है, उसके पवित्र आत्मा को शोकित किया, परंतु प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। और उस छुटकारे के काम के द्वारा जो क्रूस पर उसने पूरा किया, जब हमने विश्वास किया,
हमें सेंट में धर्मी ठहराया है, कब तक के लिए? युगानुयुग तक के लिए। और आगे जिसको उसने धर्मी ठहराया उनको उसने महिमा भी दी, दे आर ग्लोरीफाइड। हमें ऑलरेडी, हम ऑलरेडी ग्लोरीफाइड किए गए हैं। हमें हम केवल विश्वास से चलना है, धन्यवाद देके उससे चलना है। और जो जो वचन हमें बताता है किस चीज से हमें बचना है, किधर हम कौन से रास्ते नहीं जाना है, कौन सी बुराई में नहीं फंसना, कौन से गुनाह में नहीं पड़ना, ये पवित्र वचन में सिखाता है और अनुग्रह से सिखाता है। वो अपने अनुग्रह से वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाता है, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ये भी बताता है हमें क्या करना है, किधर जाना है, कैसे रहना है, प्रभु के लिए क्या करना, अपना जीवन उसके लिए कैसा व्यतीत करना। मैं कहीं पर भी हूं, स्कूल में, कॉलेज में, और अस्पताल में, कारखाने में, जिधर भी मैं काम करता जहां मैं हूं, मैं प्रभु का हूं। उसने हमें ऐसी महिमा दी है युगानुयुग तक, वी आर ऑलरेडी ग्लोरीफाइड। याद रखा, परंतु इसके दो हिस्से, हम ऑलरेडी ये बनाए गए हैं, बुलाए गए, ठहराए गए, उसके पुत्र के स्वरूप में हो इसलिए ठहराए गए, हमें धर्मी ठहराया, हमें महिमा भी दी है, ऑलरेडी ग्लोरीफाइड। परंतु प्रैक्टिकली इस दुनिया में रहते हुए हमें वो जीवन भी जीना है, और उसके लिए उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे हृदय में दिया है। रोमन्स चैप्टर 8 के अंदर हम ये सीखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकते हैं उसकी कृपा से। प्रियो, उसने हमें महिमा दी। जॉन चैप्टर 17 में अभी नहीं पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा, हे पिता, वो घड़ी आ चुकी है, अपने पुत्र की महिमा कर। फिर वो कहता है, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो मेरी जगत में आने के पहले तेरे साथ थी। और फिर वो कहता है, प्रभु, पिता, जिसको तूने मुझे दिया है मैं चाहता हूं वे भी मेरे साथ उस महिमा में वहां पर रहे। प्रियो, ग्लोरी महिमा के सिवाय परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं चाहता। He want to see his children as a glorified children and living that glorified life down here on this earth, यहां पर इस पृथ्वी पर वो महिमा युक्त जीवन मैं और आप रहे, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। इस अध्याय में बताया, सृष्टि भी बड़ी चाव से, बड़ी इच्छा से परमेश्वर के पुत्रों की महिमा को देखने का इंतजार कर रही है। इसी 8वें अध्याय में कहीं तो भी लिखा है, आप पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये सारी सृष्टि आज जो करा रही है, पीड़ाओं में पड़ी, तड़प रही है, ये सृष्टि किसका इंतजार करी? वो हमारा, विश्वासियों का, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की, महिमा के प्रकट होने की, महिमा के साथ प्रकट होने की इस पृथ्वी पर इंतजार कर रही है। ये कब होगा? जब हमारा प्रभु मध्याकाश में आएगा, हमारा धन्य प्रभु जो मसीह में सो गए हैं वे सब जलाए जाएंगे, और यदि हम जीवित रहेंगे उस दिन तक हम बदल जाएंगे, महिमा युक्त शरीर हमें मिलेगा, और प्रभु से हम मध्याकाश में मिलेंगे, और उसके बाद हम इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए आएंगे, और तब उसके बाद युगानुयुग तक प्रभु के साथ उस महिमा में मैं और आप रहने वाले। इतना धन्य फ्यूचर हमारे सामने है मेरे भाइयों, प्रियजनों। ये थोड़ा समय
ये थोड़ा समय जो है 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल का, याद रखिए ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है, हमारे लिए एक ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, और उसमें हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है। और हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा प्रभु यीशु होना चाहिए, उस पर हमारी आंखें होना चाहिए। इसलिए इब्रानी में 12 अध्याय में लिखा है, कहीं तो पहले आयत से लिखा है, हर एक जाने वाले पाप रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धैर्य से धीरज से दौड़े और अपने उद्धार के कप्तान और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे, देखते रहे। हैव योर होल फोकस, माय फोकस ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन हिम ओनली वी विल गेट ऑल दिस थिंग्स, जो प्रभु ने वचन में दी है वे सारी बातें उसी में हमें मिली है, और हम उसी में बढ़ते जाएंगे और उसी में हमारी उन्नति होती रहेगी, उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। सो वी आर ऑलरेडी ग्लोरिफाइड पीपल। मेरे प्रियजनों, इसलिए पौलुस कहता है बड़े विजय के साथ, शुरू में हमने देखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बिल्कुल नहीं दंड की आज्ञा। ये विजय घोषणा करने के बाद अंत में वो कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से पृथक या अलग कर सकेगा, कौन है या कौन हम पर दोष लगाएगा, जब परमेश्वर स्वयं हमें निर्दोष ठहराता है। तो पौलुस रोमन्स में पूछता है, कौन हमें दोष लगा सकता है, हम पर कोई हम पर दोष नहीं लगाएगा, केवल एक व्यक्ति है जो रात दिन हम पर दोष लगाएगा, और जब उसके द्वारा जो लोग प्रेरित होते हैं और उसकी बातें जो सुनते हैं और उसके विचारों को जो अपने मन में आने देते हैं, वे लोग दोषी ठहराते हैं, वे दोष देखते हैं केवल कि कोई दोष हो। शैतान जो रात दिन दोष लगाता है, परंतु वो हरा हुआ व्यक्ति है, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड फो, प्रभु यीशु ने उसको डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। वो केवल अभी अपनी पूंछ हिलाता रहता है, वो कई बार हमारे सामने व्यवधान लाएगा, अनेक बार हमें गिराने की कोशिश करेगा, गिराता भी है, परंतु प्रियो प्रभु चाहता है हम उठ के खड़े हो जाए, उठे और अपने उस गलती को या पाप को स्वीकार करें, उसको अलग हटाकर हम आगे बढ़ते रहें, कीप ऑन मूविंग, प्रभु की ओर देख करके आगे बढ़ते रहें। हमें कौन दोष लगा सकता है, फिर हमें कौन दंड दे सकता है, केवल परमेश्वर पिता और पुत्र को दंड देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है। जब परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया, प्रभु यीशु ने हमारा दंड उठा लिया, तो अब कौन है हमें दोष ठहराने वाला और दंड देने वाला, कौन दंड देगा हमें और किस बात के लिए दंड देगा, जब उसने हमारे सारे पाप को उठा लिया, हमारे भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप, भविष्यकाल के पाप उसने उठा लिए, उसने सब कुछ उठा लिया। एक समय एक मिशनरी इंडिया में आकर आंध्र प्रदेश में अपनी कार से, वे वापस कहीं से आ रहे थे, मिनिस्ट्री करके वो वापस जा रहे थे अपने घर, और
जाते समय बुद्ध ने देखा आगे एक गरीब महिला, बुजुर्ग महिला अपने सिर के पर बहुत भारी कटखरी लेकर के वो चली जा रही थी। धूप का समय था, 11-12 बजे दोपहर के थे। उन्होंने गाड़ी रुकी और कहा, आइए आप अंदर आइए और आप बैठिए, कार में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं आगे तक। आ गई वो, बैठी, साहब ने गाड़ी चलाई आगे। चलाते चलाते उनकी नजर वो ग्लास में गई, सामने के आईने में, और उन्होंने क्या देखा, ये महिला, बुजुर्ग महिला, अभी भी अंदर तो बैठी है कार में, और वो गठरी जो है उसकी, वो अभी भी सिर पे है, सिर पे रख के जा रही है। तो साहब को बड़ी हंसी भी आई, पर उनको दया भी आई, और उन्होंने कहा, अरे आपने ये गठरी क्यों रखी है, ये कार आपको भी ले जा रही है, आपके गठरी का बोझ भी ले जा रही है, तो फिर आप इसको क्यों अपने पर उठा के चल रही हो, क्यों उसको उठा करके तुम अंदर ही कार में सफर कर रही हो, बैठी हो। हम भी विश्वासी भाइयों बहनों, हम भी ऐसे करते हैं। प्रभु ने इतना सब अनुग्रह किया है हम पर, इतनी बड़ी दया की है, बड़े अनुग्रह से हमारा छुटकारा किया है, और ये सारी बातें उसने हमारे लिए कर दी है। हम अपना बोझ कई बार उठा करके अपने सिर पर रखते, हम उस बोझ को भूलना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। कितने दुख की बात है, प्रभु ने हमारा बोझ सब कुछ उठा लिया। प्रभु के नाम की स्तुति। प्रियो, अति शीघ्र वो समय आ रहा है, अब मैं बंद कर रहा हूं। हालांकि मुझे भाई डेविड ने इशारा नहीं दिया, अब मैं बंद कर रहा हूं। अंत में मैं कहूंगा, वचन में लिखा है, बिलवर्ड अंग्रेजी में लिखा है, प्रियो अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या होंगे, मतलब इसके बाद भी क्या होंगे, अभी हम पर प्रकट नहीं हुआ, परंतु इतना जानते हैं, विश्वासी इतना जानते हैं, इस पहले पत्र में, योहन्ना की पहली पत्र में कम से कम 16-17 बार आप गिनिए, जानना, जानो, जाना है, इस प्रकार प्रयोग आया है शब्द का। बिलीवर्स नो, वी हैव टू नो मेनी थिंग्स, इतना जानते हैं। क्या जानते हैं? जब वह प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे, उसके समान, उसकी समानता में, और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्यारो, वो ग्लोरियस पोजीशन एक दिन हमें मिलने वाली है। आज जितना भी सत्य है प्रभु ने हमारे लिए किया है, ये पोजिशनली ये हमारे लिए स्थिरता है, ये प्रभु ने दे दिया है, पर प्रैक्टिकली इसको हमें जीवन जीना है, प्रैक्टिकल जीवन, और एक दिन हम प्रैक्टिकली ये देह, ये दीनहीन देह, ये निर्बल देह छूट जाएगी, और हम प्रभु को देखेंगे और प्रभु के समान होंगे और प्रभु के साथ साथ रहेंगे, कई दूसरी जगह नहीं। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को जाते समय, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अंग्रेजी में लिखा है, देर आर मेनी मैंशंस इन द हाउस ऑफ गॉड, रहने के बहुत स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जगह तैयार करूंगा मैं वापस फिर आऊंगा
और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। किस लिए? किस लिए? ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ओ, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। कितनी, व्हाट ए वंडरफुल कॉलिंग, कितना अद्भुत भविष्य, कितना गौरवमय भविष्य मेरे और आपके लिए रखा है। और ये भविष्य बिल्कुल रियल है, और इस रियलिटी को मैं और आप इस जगत में जी करके देखें। शैतान बहुत कोशिश करेगा, वो हमारे पीछे पड़ा रहेगा, परंतु वो हरा हुआ व्यक्ति है। हम प्रभु यीशु में जयवंत है, और प्रभु यीशु मुझे और आपको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इन सारी बातों के लिए हम किसी योग्य नहीं थे, केवल प्रभु यीशु की कृपा से ये बातें हमें मिली है। परमेश्वर का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस बात के साथ, इस वाक्य के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। प्रभु आपको अनुग्रह और आशीष दें।